গতকাল গভীর রাতে ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুট মিলের সেলাই ডিপার্টমেন্টে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। সাথে সাথে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ভাটপাড়া থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। সূত্রের খবর, এখনও অবধি আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসা দরুন দমকলের আধিকারিকরা আগুন নেভানোর কাজ চালাচ্ছে। দমকল সূত্রে প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। গতকাল গভীর রাতে ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুট মিলে সেলাই ডিপার্টমেন্টে হঠাৎই আগুন লেগে যায় এবং সাথে সাথেই উপস্থিত হয় ঘটনাস্থলে ভাটপাড়া থানার পুলিশ এবং দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। সূত্রের খবর, এখনও অবধি আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসার দরুন দমকলের আধিকারিকরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে এবং দমকল সূত্রে প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের জেরেই এই আগুন লেগেছে। लेकिन ले रात में लगा हुआ था, कितना वो नहीं बता सकते कितना बजे हुआ। हाँ दमकल है एक हीरा कल डिपार्टमेंट। हाँ कैसा आग लगा नहीं पता? नहीं कितना बजे आग लगा? वो तो हम लोग लेटरिन गए थे 2 बजे में रात में, सब देखे। अभी काबू है, नियंत्रण में है? हाँ गया है। नहीं दमकल सब चीज तो है, चल रही है। जा रहा। कुछ हुआ है किसी को? नहीं, किसी को इंजर्ड नहीं ना हुआ? नहीं है। कुछ इससे अगले में से आप लोगों का तो दिक्कत होता है काम करने में। हाँ कितना डर है इससे? डर लग रहा है। हाँ कंपनी में आग लगा, डर नहीं लग रहा? हाँ लग रहा है। आप इसी में काम करते हैं? हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। करते हैं ना काम? हाँ। बोला अंदर हल्ला हुआ तो हम लोग उठे तो अंधेरे में डेरा है, उठे तो हल्ला हुआ तो आग लगा हुआ था। कब आग लगा है? अब कैसे लगा थे हम लोग? कब सुने? वो हम 3 बजे में करीब उठे हैं ना, तो हाँ तो वही जगह बाथरूम है, तो बाथरूम गए थे, देखे पानी टंकी वाला गड़ी लगा हुआ है। आप मिल में थे उस समय? नहीं मिल में नहीं गए, बाहर में रूम है भीतरे में। अच्छा, वही में हम लोग सोते। हाँ कौन सा डिपार्टमेंट में आग लगा है? अब वही बात हमारा नहीं मालूम है। दमकल आया था? दमकल उठे तो 3 बजे हम देखे दमकल लगा हुआ था गेट पर। अभी आग लगा है कि बुझा रहा है? बुझा रहा है, अभी भी बुझा रहा है। आपका नाम? हमारा नाम नथुनी महतो। भाटपाड़ा थे राजदीप नाथ, 24 घंटा लाइव। নতুন রূপে সেজে উঠেছে নাইস পার্ক। ছোট থেকে বড়দের জন্য আনন্দ ও সময় কাটানো ছাড়াও রয়েছে পিকনিক থেকে শুরু করে যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ। নাইস পার্ক দেবক নৈহাটি।